चलो फिर भी बंदो ने किया इस मत की मेरी में गए वहां पे, मैं इतना दुखी हो चुका हूँ यार, तू मर जाओ तो ठीक है। ये से कट गए हैं, उसके बाद ये सारी कट गई है। अच्छा ये शुरुआत में ये हुआ था अंगूठे से, फिर ये सारी उंगलियां यहाँ से काटनी पड़ी। अब हेलो नमस्कार जी, मैं कुलदीप शर्मा रंखे से बोल रहा हूँ और अपने तहे दिल से निगरोटा हुआ हेल्पिंग टीम के धन्यवाद करता हूँ, जो कि प्रवेश शर्मा जी हमारे यहाँ आए थे और उनकी वजह से वीडियो बना और उन्होंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया और आप लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं इसी वीडियो की वजह से मेरे को कॉल आई थी अम्बाड़ा से, वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उस डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि आप ठीक हो जाओगे और पाँव कटने से बच जाएगा, और उन्होंने 15 दिन की दवाई दी है मेरे को। तो हम वहाँ पर गए थे, दवाई लाए हैं और वहाँ पे रहने के लिए हमारा जो एक चंबा से है वहाँ पे लड़की उसकी शादी हुई है, तो उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया था, उनके घर पे रहे हैं। और आप सबका और उनका मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को मदद दी और मैं दवाई ला पाया, क्योंकि मैं घर के बाहर जाने के लायक नहीं था, ना ही कोई कमाई का इंश्योरेंस था, कमाने वाला मैं ही हूँ और मैं ही बिस्तर में पड़ा हूँ। और आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, और प्रवेश जी का भी। और आगे भी चलो, जब तक मैं ठीक नहीं हो पाता हूँ मेरी मदद करते रहना, जब कि मैं हर 15 दिन के बाद वहाँ पे दवाई लाने जाना पड़ेगा मेरे को, और दवाई जो है वो आने जाने का खर्चा जो है वो सारा 9,500 रुपये आया है। और आपके बदौलत ही मैं पैसा मेरे पास आया और आपकी बदौलत ही मैं ये दवाई ला पाया हूँ। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद जी।